आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। एक तरफ शादी है और दूसरी तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट। शादी तो कभी भी हो सकती है, पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। नुपुर, तुम्हारी एंगेजमेंट का मतलब है तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाना। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें इस घर की बहू बनकर रिश्तों की भीड़ में खो जाना है या अपनी एक पहचान बनानी है उन अरबों लोगों के बीच में, अपनी एक आइडेंटिटी। नुपुर, सोच क्या रही हो? ये लो कॉन्ट्रैक्ट, इसे अभी इसी वक्त साइन कर दो। किसे मिलना है बेटा? नुपुर से। नुपुर जिसके आज एंगेजमेंट है वही ना? वही। कहाँ से आए हो और नुपुर से क्या काम है तुम्हारा? मेरा नाम जैकी है, आई एम फ्रॉम अमेरिका। काकीमा, ये मेरे दोस्त है, अमेरिका से आए। अच्छा जैकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, इम्पोर्टेंट काम है, तुम नहीं आई तो मुझे ही आना पड़ा। नुपुर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेहमान आते होंगे बेटा, तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए। जा। आंटी, वो मेरा दोस्त आया ना अमेरिका से, यहाँ किसी को जानते नहीं तो मैं उन्हें रिसीव करने आई थी। अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ बेटा। आंटी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊँ? यहाँ भीड़ बहुत है ना, तो अच्छा ठीक है, मैं चाय तुम्हारे कमरे में ही भिजवा देती हूँ। जागी, तुम नहीं जानते हो तुमने यहाँ आकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है। आना तो मैं भी नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर किया है आने के लिए। ये देखो, मैं इसके लिए आया था। ये क्या है? तुम्हारे कई सालों का सपना जो आज पूरा हुआ है। तुम्हारे नाम का बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है ये। यूएस की सबसे टॉप, सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी तुम्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है। इस कंपनी ने बतौर तुम्हें अपना चेहरा चुना है। तुम्हारी एक साइन और तुम स्टार बन जाओगी। यही कामयाबी, यही सक्सेस चाहती थी ना तुम? तो देखो, आज ये सब कुछ तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। और आज तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला करना होगा। एक तरफ शादी है और दूसरी तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट। शादी तो कभी भी हो सकती है, पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। नुपुर, तुम्हारी एंगेजमेंट का मतलब है तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाना। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें इस घर की बहू बनकर रिश्तों की भीड़ में खो जाना है या अपनी एक पहचान बनानी है उन अरबों लोगों के बीच में, अपनी एक आइडेंटिटी। नुपुर, सोच क्या रही हो? ये लो कॉन्ट्रैक्ट, इसे अभी इसी वक्त साइन कर दो। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। मुझे अनुराग के साथ अभी बात करनी होगी।
कहाँ जा रही हो? जी वो मैं, वैसे आप कौन है? अनुराग की ठाकुमा है ना, मैं उसकी छोटी चचेरी बहन हूँ। अच्छा, अब देखिए मुझे अभी जरूरी काम है, मुझे जाना। तुम्हें जिस किसी से मिलना है बाद में मिल लेना। नहीं बाद में नहीं, मुझे अनुराग से अभी मिलना है, इसी वक्त मुझे उससे जरूरी बात करनी है। बेटा अभी तुम अनुराग से नहीं मिल सकती, आशीर्वाद की रस्म से पहले दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे से मिलना शुभ नहीं होता है, उससे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में अड़चने आ सकती है। बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं, आपको देखकर ऐसा लगता है कि अब आपके पति नहीं रहे, कितने साल हुए उन्हें गुजरे हुए? 20 साल। इसका मतलब है कि शादी के कुछ साल बाद ही आपकी जिंदगी में ये बेवापन आ गया। आपने भी तो अपनी शादी में, अपने आशीर्वाद में हर रस्म हर रीति रिवाज को जी जान से निभाया होगा ना, फिर भी आपकी शादीशुदा जिंदगी असफल रही। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें आपकी गलती है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये सब किस्मत का खेल है, और प्लीज आप ही अपने पुराने ख्याल अपने पास ही रखिएगा। मुझे अनु से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, उसके रिश्तेदार भी नहीं। रुक जाओ, लगता है बड़ों से बोलने चालने के तौर तरीके तुम्हें सिखाने पड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, आशीर्वाद विधि के बाद तुमसे बात करूंगी। नूपुर, इन रस्मों और रीति रिवाजों के लिए तुम्हारी अपनी सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारी सोच, हमारी परंपराओं को गलत कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और एक बात, आज तुमने जिस औरत का अपमान किया है ना, वो उम्र में तुमसे बड़ी है। उतना ही नहीं, वो तुम्हारे भले के बारे में सोच भी रही है। जो लोग अपनों से बड़ों का आदर नहीं करते, उनकी भावनाओं का मान नहीं रखते, ईश्वर उन्हें कभी सुख नहीं देता। जाओ, नीचे गिर जाओ। सुना नहीं? जाओ। शबनम बच्ची है, क्षमा कर दो। तुझे नहीं लगता ये एंगेजमेंट हम डिजर्व करते हैं? हाँ यार, सच कहूँ तो मुझे ना अनु के लिए बहुत बुरा लग रहा है, हम जैसी अच्छी लड़कियों को छोड़कर पता नहीं किसके गले में बन गया है। वेरी ट्रू। नीलू, सब व्यवस्था होएगा चलो। भाई मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुबह से 10 बार आप यही बात बोल चुके हैं मुझसे। अरे सब तैयारी हो चुकी है। तुम जानती हो आज शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं हमारे घर। होम मिनिस्टर बोस्ता, फिनेंस मिनिस्टर चक्रवर्ती दा, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने भी कहा है कि अगर समय मिला तो जरूर आएंगे। अब इनके साथ साथ मित्तल साहब, मलिक साहब जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आ रहे हैं। अब ये फंक्शन हमारे लिए इज्जत का सवाल बन चुकी है, इसलिए एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, सब जानती हूँ मैं, तुम्हें चिंता करो ना।
हाँ ये बोस बाबू। अरे आशुन आशुन बोझदा आशुन की सौभाग्य हमारा आपने एलेन। अरे आप बुलाए और हम ना आए क्या खास समय निकाल कर आया हूँ। जी जी आइए आइए प्लीज। बहुत बहुत बधाई। आइए आइए। देर कर दी तुमने, कहाँ रह गई थी तुम? वो नीलू तानी कहाँ है? वो तो नुपुर के कमरे में है। नुपुर के कमरे में है ना? तुम इतनी परेशान क्यों हो और तानी को क्यों ढूंढ रही हो? दी सुनो तो, अब होगा असली तमाशा और अब आएगा ऐसा आशीर्वाद रस्म का असली मजा।